केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राजधानी भोपाल में एक प्रेस वार्ता के दौरान नर्मदा सेवा यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की इस अभिनव पहल से भविष्य में नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन संभव हो सकेगा। अब उन्होंने पदयात्रा करवा के और पेड़ लगवा के आगे के लिए सुरक्षित कर दिया। इसके लिए शिवराज जी की सरकार का अभिनंदन होना चाहिए कि आगे भी नर्मदा ऐसी ही बनी रहेंगी जैसी कि अभी वो हैं, निर्मल बनी रहेंगी और गंगा की परिक्रमा नहीं होती है, नर्मदा की परिक्रमा होती है। तो सनातन से एक परिक्रमा की परंपरा थी, अब वो परिक्रमा मार्ग जगह जगह पर खंडित हो गया था, टूट गया था और उससे बहुत असुविधा होने लगी थी। तो परिक्रमा मार्ग भी अच्छा हो गया है, जो परंपरागत परिक्रमा मार्ग है, पेड़ लग गए हैं, फलदार वृक्ष लग गए हैं और एक जागरूकता आ गई है, तो इसका परिणाम ये आएगा कि आगे भी नर्मदा जी ऐसी बनी रहेंगी। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में मिली जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि देश में विपक्ष खत्म हो चुका है। कई बार कुछ चीजों का श्रेय हम ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश की जीत का तो खास करके मोदी जी को श्रेय जाता है। सिर्फ मेरी खुद की लोकसभा में पहले जितने मतों से मेरे को बहुमत मिला था अपनी लोकसभा में, उसमें 1.5 लाख वोटों का इजाफा हो गया है। पूरे बुंदेलखंड में हम सिर्फ 3 सीटें जीते हुए थे, अब 19 हो गई। और अगर मैं अपनी पीठ ठोकूं इसके लिए तो मैं बहुत बड़ी भूल कर रही हूँ। ये तो मोदी जी के कारण हुआ और इसकी विशिष्टता यह है कि किसी भी व्यक्ति का ग्राफ जब बहुत पीक पे होता है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने अपनी बहुमत से सरकार बनाई। इसके पहले जो गैर कांग्रेसी सरकारें बनती थी वो कॉलिजन की होती थी, ये पहली सरकार है गैर कांग्रेसी जो अपने बहुमत से बनी। अब हम नहीं है विपक्ष में और कांग्रेस बुरी तरह से नष्ट हो चुकी है, तो अब जो स्थितियां हैं उससे हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाएगी कि हम इसका डिसएडवांटेज ना लें, इस महिमा का हम दुरुपयोग ना करें। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ राम पवार की रिपोर्ट।